बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान पहुंचाऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट पर आप दोस्तों ने इतनी हेल्प की है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। और आज मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बाबा जी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका मकान हमने शुरू करवाया था लेकिन वजह यह हुई कि वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई तो रुक गया है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको वो मकान नजर आएगा। मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा और बाबा जी की दोबारा भी वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे पर इतमाद करते हैं तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका पैसा कभी भी किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं होगा, जो हकदार है उस तक पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो शुरू करते हैं। एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा, हशर में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। बद्दू खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बाखुदा तब तो हम सब निजात पा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? इसने अर्ज की, अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। बद्दू चला गया मगर जब तक नजर आता रहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसका जुमला दोहरा दोहरा कर फरमाते रहे, इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने रब पर ये यकीन रखें कि वो आपको माफ जरूर करेगा, लेकिन अगर आप उससे माफी मांगते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, इस्तगफार करते रहेंगे, जो अल्लाह का हुक्म और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म है उस पर चलते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें जरूर माफ करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।